अगर आप भी IPO से कमाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो कई सारे IPO जो है वो बाजार में आ चुके हैं, कई सारे IPO यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन सभी IPO आपको तगड़ा रिटर्न नहीं देगी, कई सारे IPO नेगेटिव रिटर्न भी देती है। इसीलिए IPO के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हिमाचल की दवा बनाने वाली कंपनी का IPO के बारे में, जिसका नाम इनोवो कैपटैब IPO है, जो फार्मास्यूटिकल की बड़ी कंपनी है, उसका IPO अब बाजार में आ चुका है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले इनोवा कैपटैब IPO के बारे में पूरी जानकारी, ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ लिस्टिंग गेन जानेंगे कि आपको कितना यहां पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, यानी कि कितना फायदा अगर आप इस IPO में लगाते हो तो आपको कितना फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। अगर आप लंबे समय के लिए भी कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो जानेंगे कंपनी के बारे में पूरी डिटेल, कंपनी किस बिजनेस में है और क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि IPO के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहां पर 21 दिसंबर 2023 को IPO ओपन होगा, 26 दिसंबर 2023 को IPO क्लोज हो जाएगा, उसके अगले दिन यानी कि 27 दिसंबर 2023 को जो है वो बेसिक ऑफ अलॉटमेंट रहेगा, इनिशियली पैसे रिफंड 28 दिसंबर यानी कि अगले दिन देखने को मिलेंगे। जिन लोगों के अलॉटमेंट नहीं लगा है उन्हें पैसे वापस कर दिए जाएंगे और जिन लोगों का अलॉटमेंट लगा है उसी दिन उनके डीमैट खातों में शेयरों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और उसके अगले दिन होगी धमाकेदार लिस्टिंग, 29 दिसंबर को जो है वो लिस्टिंग यहां पर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी की बात करें तो जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, यहां पर आप देख ही सकते हो कंपनी के बारे में पूरी जानकारी वेबसाइट पर दी हुई है। कंपनी अलग अलग तरह के सर्विसेज जो फार्मास्यूटिकल में होते हैं वो सारे सर्विसेज यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। वही अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो यहाँ पर फंडामेंटल भी दिए गए हैं। फंडामेंटल जानने बहुत ही ज़रूरी है, अगर फंडामेंटल मजबूत है तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें 31 मार्च 2021 के बारे में तो कंपनी का प्रॉफिट 34 करोड़ के आसपास था। उसके बाद 31 मार्च 2022 को कंपनी का प्रॉफिट में ज़बरदस्त तेज़ी आई, 63 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट पहुंच गया। उसके बाद 31 मार्च 2023 को कंपनी का प्रॉफिट 67 करोड़ के आसपास का पहुंच गया। उसके बाद यानी कि 30 जून 2023 की रिपोर्ट में अब तक 17 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला है। तो यहां पर कंपनी के जो वो प्रॉफिट है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि कंपनी का बोरोइंग जो है वो थोड़ा बढ़ा है, जो कि एक बुरी बात होती है। यहाँ पर एक 400 करोड़ का जो है वो कंपनी का उधारी बढ़ चुका है, जो कि फंडामेंटल में एक वीकनेस दिखाता है। वही अगर बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो यहाँ पर कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम दिए हुए। अगर आप इस कंपनी में लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करने वाले हो, यानी कि लिस्टिंग के लिए आप निवेश करना चाहते हो, तो कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। वही अगर बात करें इनोवा कैपटैब IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो यहाँ पर इनोवा कैपटैब IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम 210 रुपये पर पहुँच चुका है और यहाँ पर 448 रुपये तक जो है वो IPO प्राइस है, यानी कि पूरी तरह से कंपनी जो है वो 46% तक का लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको। अगर आप 15,000 का अगर आप IPO भरते हो तो आपको 7 से 8,000 रुपये तक का फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम में और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बाजार के जानकारों का मानना है कि इसमें और बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके लिए आप लाइव IPO GMP जान सकते हो, जिसमें आपको लाइव IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बताया जाएगा। उसके लिए इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।